तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी में ही है, शायद मुर्शिदाबाद के हालात कुछ और हैं, कुछ और पार्टी भी यहाँ चुनाव में आएंगी, तो आज जिला अध्यक्ष जी और सब कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, तो उसके बाद यहाँ के हालात बताऊंगे। आज मैं यहीं रुकूंगा इनके साथ। देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकता कि इस समय यहाँ क्या हालत होगी, लेकिन ओबीसी जैसे नेता, जो मुझे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल तक वो पहुँच गए ओबीसी, वो तो एक अभी हैदराबाद में जो हालात हैं सबको पता है। इस तरह के नेता जो हर बात में देश को तोड़ने की बातें करते हैं, ओबीसी जैसे व्यक्ति, तो इनसे तो और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों का, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जब जहाज डूबता है तो दौड़ वहाँ से शुरू हो जाती है, सब दौड़ते हैं उतर तक। अब तृणमूल का जहाज डूबने वाला है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और चूंकि लोकतंत्र में आप कभी ये नहीं रोक सकते किसी को किस दल में जाना है, इसी से लगता है कि जिस तरह से तृणमूल में भगदड़ मची हुई है और वो भगदड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो सबको पता है कि शायद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उचित रहेगा। और ऐसा नहीं कि हमें भी जो जमीनी स्तर के नेता हैं अगर वो आना चाहता है तो स्वागत है, लेकिन कहीं ऐसी बात है तो हम रोकेंगे भी। क्या मंत्री है, सब आए थे किसान के घर, भोजन भी किया और दो दिनों का दौरा भी हुआ बंगाल में, तो मुर्शिदाबाद में मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, एस्ट्रोलॉजर जो बता सके, लेकिन हमारे गृहमंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 200 से ऊपर सीटें हैं, और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे भी जितना काम करने का अवसर पश्चिम बंगाल की भूमि पर मिलेगा, सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हम 2014 में थे कहाँ, आज इस स्थिति में है कि जनता भी मानती है, पूरा देश मानता है कि शायद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और हमें तो विश्वास है। तो ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और शायद तृणमूल के कुशासन का परिणाम है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए, मैं यही कहूँगा, मैंने शुरू में बैठते ही कहा कि बहुत सेंसिटिव जगह है मुर्शिदाबाद, बिल्कुल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, और सबको पता है कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के प्रति सिर्फ एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा सचेत रही है, और हमारा फोकस देश की सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा रहा है 2014 से आज तक, आप देख सकते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जो बॉर्डर की वजह से सरकार बननी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मजबूती से काम हो सके, जो देश विरोधी तत्व बॉर्डर से हमेशा आना जाना करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उन पर रोकथाम लगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। हम कहते हैं सिर्फ नौकरी एक छोटा सा मुद्दा होता है किसी प्रदेश में, ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी स्कीम्स हैं, अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो शायद आपको ऐसा नहीं कि नहीं पता हो, कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार की लागू नहीं होगी, केंद्र और प्रदेश हमेशा मिलकर काम करेंगे जब भी प्रदेश का विकास हो सकता है। आज जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं आप देखिए, कल गवर्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 8,500 करोड़ रुपए जो किसान के खाते में आ सकते थे, ममता जी कहती है मेरे खाते में भेजिए, ये कौन सा तरीका है कि उनके खाते में, तो सभी प्रदेश सरकारें किसानों का नाम केंद्र सरकार को भेजती हैं और केंद्र सरकार से किसानों के खाते में डायरेक्ट बिना बिचौलियों के पैसा आता है। इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं, तो पश्चिम बंगाल में अच्छी तरह से विकास हो, बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चले, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अब चुनाव आए हैं तो घर में सरकार भेजने का प्रयास कर रहे हैं, 4-5 महीने बाद चुनाव है, आयुष्मान भारत योजना लागू हुए केंद्र सरकार से कम से कम 2.5-3 साल हो चुके हैं, अब कह रहे हैं कि हम कार्ड बनाएंगे, जब 3 साल से केंद्र सरकार की योजना है, 3 साल से तो आपने लागू नहीं की, अब बचे हुए 3 महीने आपके बचे हैं सरकार के, उसमें आप क्या क्या योजनाएं लागू करेंगे और 3 महीने में किस सरकार को आप घर तक पहुंचेंगे? थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी और काम समाप्त हो जाएगा, ये सब जो नए कार्ड वो बनाना चाहते हैं और सरकार भेजना चाहते हैं सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। मैं 2014 से केंद्रीय मंत्री हूँ और मुझे सभी प्रदेशों में जाने का मौका मिला, सरकार चाहे किसी की भी हो किसी प्रदेश में, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे हालात, राजनीतिक क्रूरता, जंगल राज और जो हालात हैं कार्यकर्ताओं का, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न, इस तरह की घटनाएं और किसी प्रदेश में मुझे कभी दिखाई नहीं दी। और इसका जवाब, चूंकि लोकतंत्र है, यहाँ तृणमूल की सरकार है, इसका जवाब जनता देगी। अब मेरे चार से पाँच महीने मात्र बचे हुए हैं और जनता को इस पर निर्णय लेना है कि क्या उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो इस तरह की कानून व्यवस्था हो,
जहाँ एक कानून की सरकार ना चलती हो, एक पार्टी की सरकार चलती हो, तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित रूप से ममता बनर्जी और तृणमूल को देगी। और मुर्शिदाबाद तो बिल्कुल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश से लगा हुआ। मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थिति इस समय पश्चिम बंगाल में है, मुझे क्या सबको पूरे देश को सरकार बनती हुई दिखाई देती है, और ये पश्चिम बंगाल के हित में भी है। और मुर्शिदाबाद जैसा सेंसिटिव जिला जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, जहाँ माइग्रेशन या स्मगलिंग की बहुत सी घटनाएं भी है, सब के द्वारा हम भी अखबारों में पढ़ते रहते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार होना बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों पर हमेशा कंट्रोल रखती है और ज़्यादा संवेदनशील आप कह सकते हैं इन मुद्दों के प्रति। जो यहाँ हालात हैं कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकता। खुद का मेरा मंत्रालय, मैं एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज मिनिस्टर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और दुख की बात है कि 20,000 करोड़ का फिशरी का इस साल का बजट आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश है जिसका इस 20,000 करोड़ रुपये में से एक भी प्रपोजल आज तक मुझे नहीं मिला। और ये मेरे मंत्रालय की हालत नहीं है, ज़्यादातर मंत्रालयों की हालत केंद्र सरकार में यही है। और ये कोई तृणमूल का या ममता जी का अपना नुकसान नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की जनता का नुकसान है। अगर केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ नहीं हैं हर मंत्रालय से, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल की जनता को है। और भी जगह विरोधी दलों की सरकारें हैं, लेकिन हर जगह प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6,000 रुपये सबको मिलते हैं। हर प्रदेश से बजट के लिए, आवंटन के लिए केंद्र सरकार को पत्र आते हैं। एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश है जहाँ केंद्र की ज़्यादातर योजनाएँ लागू नहीं की गई। इसका सीधा सीधा नुकसान इस प्रदेश की जनता को है। ममता बनर्जी राजनीतिक प्रतिद्वंदता में इस तरह की हरकतें वो कर रही हैं कि ऐसी शायद किसी प्रदेश के, कभी किसी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने ना की।